अंजाम। एनडीआरएफ की टीम में महिला दस्ता भी मौजूद था और ये पहली बार गया किसी अंतर्राष्ट्रीय रेस्क्यू में। हमारे साथ शिवानी अग्रवाल और राखी हैं। जब पहली बार आप लोग वहाँ पर लैंड किए, क्या तस्वीर दिखाई दे रही थी? चारों तरफ बिल्डिंगें टूटी थी, चीख पुकार मची हुई थी, कोई मदद को बुला रहा था, वो डर नहीं लगा आप लोगों को? हम अडाना में लैंड हुए थे, वहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल थी, लेकिन कौन सी जगह में? अडाना। यस, अडाना एयरपोर्ट, क्योंकि कभी भी किसी भी कंट्री में इस बड़े लेवल का अर्थक्वेक वगैरह आता है तो हमें सेफ जगह पे लैंड करवाया जाता है। इसके बाद जैसे ही हम वर्क साइट पे पहुँचे तो वहाँ पे जो मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन था वो मुझे लगा था कि दो चार बिल्डिंग गिरी होंगी और हमें वहाँ पे काम करना है, लेकिन मैं जिस जगह देख रही थी, जहाँ पे भी अपनी नज़र घुमाई थी, वहाँ पे सिचुएशन एकदम डिफरेंट थी। डिफरेंट मतलब क्या? हर जगह बिल्डिंग कोलैप्स थी, हर जगह लोग जमा थे कि हाँ यहाँ पे मेरे परिवार जन है। अगर आप यहाँ पे कहीं और देखेंगे तो सेम सिचुएशन थी, हर जगह बिल्डिंग गिरी हुई थी, बहुत बड़े लेवल पे तबाही आई हुई थी और वो लोग इस तरीके से थे कि आप उनको देख के ये महसूस कर सकते हैं कि इसका भी कोई पर्सन है। तो बहुत लगा नहीं कि वापस चले जाएं, कुछ कर तो पाएंगे नहीं? आपको भी डर लगा? आदमी को डर तो लगता ही है। नहीं सर, डर तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी नहीं है कि हमें डर लगे। हमारा जो काम है सेविंग लाइफ एंड बियॉन्ड, तो हमें अपना काम याद रहता है। हमारी बेसिक ट्रेनिंग चलती है, इसके बाद हमारे एडवांस कोर्सेज भी चलते हैं। हमारे कोर्सेज में हमें बताया जाता है कि किस तरीके से आपको मदद करनी है, और ट्रेनिंग के साथ साथ अगर हम अपनी बात करें तो हमारे संस्कार में भी अपने काम को छोड़ के भागना नहीं लिखा है। राखी, आपका कोई ऐसा अनुभव जो आप हमसे बताना चाहती हैं न्यूज़24 से, जब वहाँ आप लोग रेस्क्यू कर रहे थे बीइंग अ महिला दस्ता, कहीं आपको लगा कि कहीं हमें अब वापस चले जाना चाहिए, नहीं हम लोग कर पाएंगे, या सबसे दर्दनाक चीज़, सबसे बहादुरी वाली चीज़ क्या थी आपके लिए? सर, हमें कहीं नहीं लगा कि हम यहाँ से वापस चले जाएं, क्योंकि हमारे साथ जो हमारी टीम गई थी वो इतने अच्छे से हम लोगों का ख्याल रखती थी कि कहीं भी हमें ये महसूस ही नहीं होने दिया कि हम अदर कंट्री में आके रेस्क्यू वर्क कर रहे हैं। हमारे कमांडर्स, चाहे वो हमारे रेस्क्यूअर्स हों, वो भी हमारा अच्छे से पूरा सपोर्ट करते थे। जो काम हम कर सकते हैं वो हमें उसके लिए प्रोत्साहित करते थे। साथ ही साथ अगर हम वर्क साइट पर जाते थे तो वहाँ भी वो लोग हमारा कोऑपरेट करते थे। और एक किस्सा मैं बताना चाहूँगी, लास्ट डे का है हमारा, एक वहाँ तुर्किस आर्मी का एक लड़का था, उसकी फैमिली के तीन लोग, मदर, फादर और उसका भैया, तीनों ही अंदर मलबे में दब चुके थे। उनकी किस्मत, बदकिस्मती बोलेंगे कि वो लोग बिल्डिंग को छोड़ के तो बाहर आ गए थे, लेकिन बाहर की साइड जो लॉन था, वो बिल्डिंग, वो लॉन में खड़े हुए थे, लेकिन वो बिल्डिंग ही उनकी लॉन की तरफ पलट गई थी और वो बदकिस्मती से उसके वो तीनों ही मम्मी पापा और भाई डेथ हो गए थे। जब उनको पता चला, हमें उन्होंने बताया अफाद वालों ने कि यहाँ पे दो डेड बॉडीज दिख रही हैं, तो निकाला फिर आप लोगों ने? हम लोगों ने उनको सेफली निकाला, उनका कोई भी वो नहीं है, वो लड़का वहीं से देखता रहा। और जैसे ही हमने वो डेड बॉडी निकाल के उनको दी तो वो इतना अच्छे से खुश हुआ, बहुत अच्छे से, और उसने थैंक यू हम लोगों का बहुत सुख। सुषमा जी, आपकी चर्चा इसलिए बहुत हो रही है कि आपने अपने ट्विंस बच्चों को छोड़ के वहाँ पे गए, क्या एक्सपीरियंस था वहाँ पे? और प्रधानमंत्री ने भी आपसे बात की, आपके बारे में शायद उनको पहले से पता था कि कोई एक ऐसी महिला अफसर भी है जो वहाँ पे इन हालात में गई थी, क्या बताना चाहेंगे? सर, पहले तो जो मेरी बच्चियों की वजह से मैं चर्चा में आ रही हूँ सर, वो छोटे थे इसलिए होगा सर, क्योंकि छोटे थे तो टेंशन भी थी कि रखेंगे कौन, रहेगा किसके पास ये, तो मेरे फादर ही लो थे तो उन्होंने मेरी हेल्प की, कहने लगे मैं देख लूँगा, तुम बच्चे चले जाओ। तो सर इसलिए मैं अपने बच्चे छोड़ के टर्की के लिए रवाना हो गई थी। प्राइम मिनिस्टर ने आपसे क्या बात की, आपके बारे में क्या क्या कहा? सर, उन्होंने मेरे से पूछा कि मतलब कहाँ से हो, और सर उन्होंने पूछा कि आपके, आप ही के वो बच्चे किसके हैं? तो सर मैंने कहा मेरे बच्चे हैं सर, जो 2 साल मतलब कम एज के हैं। तो वो कहने लगे कि अच्छा, अपने बच्चों से मिल पाए हो अभी? मैं कहा सर अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ, अभी तक नहीं मिल पाई हूँ अपने बच्चों से सर। आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है? सर मैं एनडीआरएफ में हूँ, गाज़ियाबाद में सर। अच्छा, गाज़ियाबाद में पोस्टिंग है आपकी? सर। अच्छा सुषमा जी, वहाँ आप लोगों ने कैसे काम किया? जी सर, सबने तो, सभी ने एक तरीके से ही काम किया, सेंट्रली कमांड सब कुछ था, लेकिन फिर भी आपको कुछ तो ऐसा अनुभव लगा होगा कि कितनी बड़ी तबाही थी और कितना आप लोग काम कर पा रहे हैं। हाँ सर, मेरा काम था सर मेडिकल सपोर्ट
मैं सर अपना मेडिकल से रिलेटेड। आप डॉक्टर हैं? नहीं सर, मैं एनएम कांस्टेबल एनएम है। यस सर, तो मेरा था कि जो हमारी टीम है उसका मतलब पहले उसकी फिटनेस जरूरी है, क्योंकि जाते के साथ टेम्परेचर नॉर्मल था और ज़्यादा ही कम था सर, जीरो टेम्परेचर था माइनस में। तो उसके लिए जाते ही सबको खांसी जुकाम बुखार ये कंप्लेन होने लगी थी। तो सर पहले तो टेम्परेचर की वजह से पहले उनको ट्रीट करना, फिर सर हमारा था कि हम वहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज करें, मतलब हमारे साथ डॉक्टर सर भी थे तो हमने कैंप ऑर्गेनाइज किया मतलब लगाया। तो उसको देख के मतलब वहाँ के जो लोकल लोग थे जिनको प्रॉब्लम हो रही थी वो भी हमारे पास आए, जैसे टर्किश आर्मी थी हमारे साइड में ही थी तो उन लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो कैंप में जैसे लिखा तो उन्होंने ट्रांसलेट करा, क्योंकि इंग्लिश में था तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में करके तो हमारे पास आए, तो हमने दवाई ववाई दी। और उसके बाद सर लोकल लोग भी हमारे पास काफ़ी आए, उनको भी हमारे ट्रीटमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा दस्ता मौजूद है, ये पूरा वो दल है जो टर्की के भूकंप में मदद के लिए भारत की तरफ से गए थे और उन्होंने हर संभव कोशिश जो ये कर सकते थे उन्होंने मदद की। और फिर जब ये टीम वापस आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनसे मुलाकात की, इनकी हौसला अफजाई की, और ख़ासकर जो महिला दस्ता है वो बहुत ही तारीफ़ के काबिल हैं कि कई महिलाओं ने अपना जो पहली बार इस तरह के मिशन में देश के बाहर गए उन्होंने अपना वहाँ पे योगदान दिया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने ख्याति प्राप्त की है कि जब भी कोई ऐसी मानवीय त्रासदी होती है तो भारत इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है और मदद करता है, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने इसको साबित करके दिखाया है। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ प्रशांत देव, News 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।